वेलकम बैक टू सोमेसिंग ब्लॉग्स। सो आज हमारे स्कूल में हो रहा है रंगोली कॉम्पिटिशन और उसके लिए सभी बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं। सो लेट अस गो एंड सी क्या क्या बच्चों ने बनाया है। Oh,
inspiration we can get from this rangoli is that no matter how a student becomes successful in his life, no matter how much gain his name is the life, but the respect he never forget. We worship every day of God and think about him every day and read about him in his scriptures. And why we not follow him path? And this rangoli can give us inspiration to our new generation to follow this thing. Thank you, sir. कई वर्षों से स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में आते हैं और आपकी जो कार्यशैली है, जो आपकी क्षमता है, उसमें पूरे बिहार से लेकर पटना तक लोगों के बीच में दिखाने का काम करते हैं। आज भी जो रंगोली कार्यक्रम हुआ है, हम तो डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। सबका अच्छा है। एक वन क्लास वन से स्टार्ट करें तो टेन तक सबका बढ़िया है। तो मौजूद हैं यहाँ, जिस तरह से रंगोली कंपटीशन किया गया है दीपावली के अवसर पे बच्चों के द्वारा, वो काफ़ी सराहनीय है। और बीटा के जो बड़े स्कूल हैं, स्टूडेंट पब्लिक स्कूल, उसमें इस तरह का कंपटीशन भी कोई मायने रखता है, बड़े बड़े काम होते हैं बच्चों के द्वारा। तो हम सीधा जो प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे प्रकाश का पर्व दीपावली पे जो कंपटीशन हुआ है यहाँ पे। सर क्या कुछ कहिएगा, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने प्रतिभा दिखाया है स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल के बच्चे बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। सबने बहुत मेहनत किया, बहुत मुश्किल था चुनाव करना फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और बच्चों का उत्साह इस सब प्रोग्राम से बढ़ता है, इसलिए हम लोग ये सब कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। पूरे साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफ़ी ऊर्जा, विशेष ऊर्जा मिलती है। बच्चों का समुचित विकास हो, यही हमारा उद्देश्य रहता है शुरू से। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, इस पर हम लोग विशेष ध्यान। प्रकाश का पर्व दिवाली, क्या कुछ बधाई देंगे बीटा वासियों को? सभी को बहुत बहुत बधाई, खास करके विद्यार्थियों को। दिवाली का पर्व खुशी खुशी मनाए, पटाखे में थोड़ा सा ये रखे, ध्यान रखे, और किसी बड़े के साथ मिलकर ही पटाखा जलाए, अकेले जलाने का कोशिश ना करें। छठ पूजा भी है हिंदुओं का बड़ा, ये छठ पूजा तो बिहार और यूपी के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, तो उसके बारे में तो कहना ही, ये पूजा हम लोग के ये भावना से जुड़ा हुआ है, और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहिएगा मैम, जिस तरह से स्टूडेंट पब्लिक स्कूल के बच्चे हमेशा अपने प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, आज भी रंगोली कंपटीशन हुआ है। ने अपनी प्रतिभा बहुत अच्छे तरह से दिखाई है, और सबके बीच में डिसाइड करना बहुत मुश्किल था किसका अच्छा है और किसका, ये सब बहुत अच्छा बनाए थे, इसलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी किया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, बाक़ी सब बहुत बढ़िया बनाए थे। दीपावली पे क्या कहेंगे? दीपावली सबके लिए मंगलमय हो, सबके जीवन में नया उजाला लाए, यही हम लोग चाहते हैं, सब बच्चे अच्छा करें जीवन में। पूरे बेटा के साथ बिहार में बिता रहा है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग बहुत चाहते हैं बच्चे कुछ ना कुछ नया ट्राई करें, और सभी बच्चे मेहनत करते, जैसे हम लोगों ने रंगोली का ऑर्गेनाइजेशन किया तो सभी बच्चों ने नए नए आइडियाज़ लाए और बहुत मेहनत से बहुत तरह तरह का रंगोलियाँ बनाया उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग मेहनत करते हैं कि बच्चे अच्छा करें और अच्छे करें। डिसाइड करना कितना कठिन था आज का कंपटीशन? बिल्कुल, बहुत सारी रंगोलियाँ थी जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, सभी रंगोलियाँ लग रही थी, ये इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, बट विनर्स तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते थे, तो हम लोगों ने वैसा ही किया, बट विनर्स से आप सारे बच्चे हैं, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। सो क्या कर सकते हैं? सौम्य से yeah।
सभी में हर किसी के बनाई।